नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के इलाहाबाद डिवीज़न के अंदर आता है, जो कि शिकोहाबाद फरुखाबाद ब्रांच लाइन पर स्थित है एवं इटावा मेनपुरी लाइन पर स्थित है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 159 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का स्टेशन कोड MNQ है। दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या 2 है। दोस्तों मैं अभी प्लेटफॉर्म्स के थोड़े से मामले में कन्फ्यूज हूँ, अभी इसका थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था इस स्टेशन का, तो शायद अब प्लेटफॉर्म की संख्या 3 हो गई है। दोस्तों वहीं पर यहाँ नंबर ऑफ होल्टिंग ट्रेनों की बात करें, यानी जो ट्रेनें यहाँ से पास होकर गुजरती है और यहाँ पर रुकती है उनकी संख्या 8 है, और जो ट्रेनें यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करती है उनकी संख्या 1 है, और जो ट्रेनें यहाँ पर अपनी जर्नी का अंत करती है उनकी संख्या भी 1 ही है। दोस्तों वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन मेनपुरी ज़िले का यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्टेशन भी है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के कई बड़े नगरों से सीधा कनेक्टेड है और यहाँ से पास होने वाली और यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाली ट्रेनों में शामिल है आनंद विहार टर्मिनल, कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस, कालंदी एक्सप्रेस, मेनपुरी, आगरा कैंट, डेमू एम 2-3 अन्य पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 7 से 8 ट्रेनों को ऑपरेट करता है और ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेनों की संख्या भी कम ही है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो यह रेलवे स्टेशन आम लोगों के लिए 1905 में खोला गया और अब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन उपलब्ध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मेनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन ही। अगर आपको मेरी वीडियो इस स्टेशन के बारे में अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।